लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। अरे वाह, इतने सारे सुंदर पेंटिंग्स! ये भी अवनी का ही कमाल है। अवनी मेरा एक दोस्त है, वो बहुत फेमस पेंटर है, रोहित। कभी वीकेंड को उससे मिलाती हूँ तुमसे, फिर तुम अपने पेंटिंग्स उसे दे देना, वो अपने एग्जीबिशन के टाइम तुम्हारा भी शो कर देगा। एग्जीबिशन में? हाँ ठीक है। अरे ये पेंटिंग की बात बाद में कर लेना, चलो अवनी डिनर लगाओ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और भूख भी बड़ी तेज लगी है। वाओ, एग्जीबिशन। रोहित, लीला ने रोहित का नाम लिया, फेमस पेंटर रोहित। वाह, कितना टेस्टी बना है। भाभी थैंक यू इतना अच्छा डिनर करवाने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग, अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। अवनी, तुम कभी अमित के साथ मेरे घर पे क्यों नहीं आती? मेरे पति हमेशा पूछते हैं कि सबके पार्टनर्स आते रहते हैं, बस अमित की वाइफ कभी भी हमारे घर पे नहीं आई। इस बार पक्का आऊंगी। आप मुझे वो फेमस पेंटर के साथ भी मिलाएंगी ना? रोहित के साथ? श्योर। अरे कहाँ आप आएगी अवनी घर छोड़ के, दो दो बच्चे हैं हमारे, ऊपर से मेरे माँ बाप भी काफी एजड हो गए हैं। हम दोनों बाहर चले गए तो उनका ध्यान कौन रखेगा? अरे कुछ घंटों की तो बात है, और वैसे भी तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। और रही बात अंकल आंटी की, तो आई नो आंटी बहुत ही स्मार्ट है, वो सब संभाल लेंगी। अमित, तुम एक बार माँ पापा से बात करके देखो ना प्लीज। ठीक है, इतने प्यार से मेरी पत्नी को कोई इनवाइट कर रही है तो मैं इस बार इसे पक्का लेकर जाऊंगा। क्यों अवनी, चलोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अवनी की लाइफ हर रोज ऐसे ही बीत रही थी, खुद के लिए जीना एकदम से भूलकर अपने सास ससुर पति और बच्चों के लिए जी रही थी। वो हमेशा कोशिश करती रहती थी कि जैसे किसी से कोई शिकायत ना सुनने को मिले, पर शिकायत करने वाले तो हर काम में खामियां निकाल ही देते थे। ऐसे ही 15 दिन बीत गए, फिर एक दिन सुबह, अजी उठिए ना, लेट हो जाएगा आपको, 8 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग अवनी। गुड मॉर्निंग। 8 बज गए, बाप रे आज तो पक्का लेट हो जाऊंगा मैं। कब से जगा रही हूँ आपको, आप हैं कि सुन ही नहीं रहे। कुछ देर बाद अमित ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अवनी आज शाम को लीला के घर पे जाना है, ओके? लेट हो जाएगा घर वापस आने में, डिनर है ना इसीलिए। ओके नो प्रॉब्लम। आज अवनी बहुत खुश थी, क्योंकि वो लीला के घर डिनर के लिए जो जाने वाली थी। कितने लोगों से मिलेगी, कितनी बातचीत कर पाएगी, और हो सके तो वहाँ पे रोहित से भी उसकी मुलाकात हो सकती है। क्या पता ये फेमस पेंटर रोहित ही उसका बॉयफ्रेंड रोहित हो, जिससे वो इतने सालों से ढूंढ रही है। अवनी अवनी, अरे ओ बहू, हमेशा कहाँ बिजी रहती हो, मेरा पैर दबा दो आकर। जी माँ जी, अभी आई। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। अमित ने तुम्हें घर के खर्चे के लिए ज्यादा पैसे दिए क्या? नहीं नहीं माँ जी, आज हम दोनों उनके कॉलिग के घर पे डिनर पे जा रहे हैं, वो जो उस दिन आई थी ना लीला, उसी के घर पे। अरे वो लड़की, वो तो अमित के साथ नौकरी करती है, इसीलिए हमारे घर पे आई थी डिनर पे। पर तुम क्यों जा रही हो वहाँ, क्या करोगी जाकर? बड़े दिन हो गए कहीं भी नहीं गई, इसीलिए सोचा कि यहीं से होकर आ जाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और हमारा खाना पीना? जी माँ जी, मैं सब बना चुकी हूँ, और सबके मनपसंद का ही बनाई हूँ, ताकि बच्चों को कोई शिकायत ना रहे, आप बस उन्हें खाना टाइम पे दे देना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। जी माँ जी।
देखा आपने, मैं घर पे रात दिन पड़ी रहती हूँ, इनके बच्चों का काम करती हूँ, पर अमित कभी मुझे घुमाने लेकर नहीं गया, अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। माँ के होते हुए पत्नी को बाहर घुमाने लेकर कौन जाता है भला? मैं भी अगर तुम्हें बाहर घुमाने ना ले जाकर मेरी माँ को लेकर जाता तो सही रहता, क्यों है ना? आप हमेशा मेरी बात को घुमा फिरा के मेरे ही ऊपर ले आते हैं। इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, शुक्र करो मंदाकिनी, नहीं तो उसके साथ जैसे बर्ताव होता है इस घर में, और कोई होती तो तुम सबको एक एक करके सही रास्ते पर ले आती। अवनी घर का सारा काम खत्म करके झटपट से रेडी हो गई, ताकि अमित के घर पहुंचते ही दोनों निकल जाए और उसकी बेटी सनाया ऊपर अपने बेडरूम में। रक्षित, बोलो ना, हम फिर से मूवी कब चलेंगे? जल्दी चलेंगे, तुम्हारे साथ मूवी चलने का मजा ही कुछ और है, और मूवी के बाद। ठीक है, डन। सनाया, सनाया, अरे बेटा मेरा मोबाइल लाओ। माँ, इतना तैयार क्यों हुई हो, कहाँ जाना है आपको? मैं पापा के साथ उनके कॉलिक के घर पे जा रही हूँ, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारा फेवरेट डिनर बना दिया है, खा लेना, और हाँ, दादी को बिल्कुल परेशान मत करना, ओके? आप अकेली जा रही हैं घूमने और मैं घर पे। मंथली टेस्ट आ रही है ना, उसकी तैयारी करो। चलो मोबाइल दो अब मुझे। पिक नहीं कर रहे हैं, शायद आ रहे होंगे गाड़ी में, थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। ये बहुत सही चीज दिया है रोहन ने, ट्राई करके देखता हूँ। पापा भी घर पे नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। खिड़की के पास बैठकर अपना काम खत्म कर लूंगा मैं तो। हे रोहन, बोल भाई। शिवम, तुझे ये वाला अच्छा लगा तो बताना मुझे, मैं और इंतजाम कर दूंगा। और सुन भाई, अब से इसके पैसे लगेंगे। हाँ, 1 का ₹200। नो प्रॉब्लम, माल अच्छा हो तो पैसों का इंतजाम जैसे भी करके कर दूंगा मैं, डोंट वरी। रात के 8 बज रहे हैं और वो अभी तक नहीं आए, और ना ही फोन पिक कर रहे हैं। फिर से ट्राई करती हूँ। अवनी, क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रही हो? हाँ, क्या हो गया? आप अभी तक घर नहीं पहुँचे, मैं तैयार होकर बैठी हूँ। क्या, तैयार होकर किस लिए? लीला के घर डिनर पे जाने के लिए, और किस लिए? तुम लीला के घर पे डिनर पे, ओ प्लीज रहने दो। मैं कब बोला था कि तुम्हें भी चलना है मेरे साथ? मैं अपना बोल रहा था कि लेट हो जाऊंगा आते आते। क्या, पर लीला ने मुझे इनवाइट किया था और आप हाँ बोले थे उसे। पागल हो गई हो तुम, उस दिन उसके सामने और क्या बोलता मैं? और तुम माँ पापा बच्चे इनको छोड़ के पार्टीज अटेंड करने लगोगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? और वैसे भी तुम ऐसी पार्टीज कहाँ अटेंड की हो, तुम्हें तो नॉलेज भी नहीं है कि किसके साथ कैसे बात करना है। अमित, अमित, अरे यार जल्दी आओ। चलो, मुझे बुला रहे हैं सब, रखता हूँ। हो सके तो आज रात को मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, गुड नाइट। क्या हुआ माँ, आपको लिए बिना पापा अकेले चले गए हैं ना? हाँ, उनको ऑफिस के मैटर में कुछ बात करनी थी तो उन्हें लगा मुझे लेकर जाना सही नहीं होगा। पापा ऐसे बोले? झूठ झूठ बोल रहे हैं, सच ये है कि वो आपको उनके साथ कहीं भी लेकर जाना पसंद नहीं करते। वो भी सही है माँ, आप ठहरी एक हाउसवाइफ जो पूरा दिन घर पे रह के बस घर का काम करती है, और कुछ तो आता ही नहीं आपको। मॉडर्न लाइफ, सोशल पार्टीज, ये सब तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। फिर वहाँ पे जाकर क्या बात करेंगी आप सबके साथ, बहुत ऑकवर्ड रहेगा आपके लिए। शायद। दीजिए, अब अपना मोबाइल दीजिए, मैं पढ़ाई करते करते अगर डाउट निकला तो गूगल कर लूंगी। अमित, इस बार भी अवनी को अपने साथ नहीं लाए ना? अरे मैं कहाँ उससे मना किया हूँ आने के लिए, वो मैडम खुद घर के कामों से ब्रेक नहीं लेना चाहती। बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, सास ससुर का काम कौन करेगा, ये सब सोच के वो घर से निकलना पसंद ही नहीं करती। अमित, अवनी को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता,
कि वो बस घर पे रहना पसंद करती है। किसी दिन वो अपनी खुद की वैल्यू समझ गई ना, तो सबसे पहले तुम पछताओगे, याद रखना। ऐसे कभी नहीं होगा। उस रात अवनी इस कदर दुखी थी कि घर पे भी डिनर नहीं कर पाई, पर उसकी सास बड़े सुकून से खाना खाकर सो गई। ससुर जी अवनी को दुखी देखकर खुद बहुत दुखी हो गए थे, पर वो भी क्या कर पाते इसमें। वाह अवनी, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। ऐसे नॉर्मली कोई देखेगा तो यू आर वेरी स्वीट, पर जरूरत पड़ने पर तुम तो सबको चुप करा दी। आज पार्टी में हर कोई तुम्हें ही देखते जा रहा था। अरे इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर इतना बेकार का आर्गुमेंट देंगे तो क्या मैं चुप रहूंगी? आखिर मैंने भी तो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, और जब बोलने की बारी आए तो मैं चुप क्यों रहूंगी? मान गया मैं तुम्हें। आई एम प्राउड ऑफ यू। अवनी के साथ ये सब जो हो रहा है, ये कितना सही और कितना गलत? क्या आज भी औरतों को ऐसी लाइफ देखनी पड़ती है? अगर अवनी को उसका पुराना प्यार रोहित वापस मिल गया तो वो उसके पास तो नहीं चली जाएगी? फिर क्या होगा इनके परिवार में? जानने के लिए देखते रहिए मेरी अधूरी मोहब्बत का अगला एपिसोड सिर्फ चंद्रमुखी की कहानियाँ पर। सी यू सून। नमस्ते।